राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Sai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Sai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol ओम ज्ञानदमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते कोपेश विवाघंत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 बोलो। हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। तुम आगे चले आ सो, फुल पीछे बैठे तुम लोग आगे चले आओ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी के लिए पधार रहे हैं और बीच में जो जो देवालय पड़ रहा है सबको यथाजोग्य सम्मान करते हुए महाप्रभु पुरी में आ रहे हैं। पिछले गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमन महाप्रभु बीच बीच में कहीं भी श्री शंकर जी के मंदिर आता था। महाप्रभु शंकर जी के मंदिर में भी जाते थे। क्यों जाते थे बोलो, क्या कारण है? क्योंकि महाप्रभु शंकर जी की कहीं भी शंकर जी के मंदिर आए वहां पर गए, प्रणाम किया है महाप्रभु। कहते हम लोग तो एक अनिष्ट भक्त है, एक भगवान कृष्ण को छोड़ करके हम और किसी को पूजा नहीं करते, फिर महाप्रभु शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? बोला बोला जोर से बोला। इसलिए देखो पुराने में एक श्लोक है, हरि रेव सदाराध्य सर्वे देव स्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राध्य नावज्ञा कदाचन। इसका मतलब है हरि रेव सदाराध्य, हरि हर समय हमारी आराध्य है। बोले क्यों? बोले सर्व देवेश्वरेश्वर, कृष्ण समस्त ईश्वरों का भी ये ईश्वर है। लेकिन होने पर भी लेकिन कभी भी किसी देवा देवी को अनादर नहीं करनी चाहिए, ना अवज्ञा कदाचन, कभी भी किसी को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, इसलिए सबको यथाजोग्य सम्मान देनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते जितने जो देवा देवी हैं ये सब भगवान का आदेश में एक एक पोस्ट मिला है, सबको भगवान ने एक एक पोस्ट दे करके रखा है। लक्ष्मी को लक्ष्मी का पोस्ट दिया, सरस्वती को विद्या के लिए, और श्री इंद्र को उन्होंने बरसात के लिए, सबको एक एक पोस्ट दिया। किसने ये पोस्ट दिया? भगवान ने दिया है। इसलिए सबको अनादर नहीं करनी चाहिए, अनादर नहीं करना, उसको पूजा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम जा रहे हैं कहीं, अगर शंकर जी के मंदिर आ गया, उनको वैष्णव मान कर उनको प्रणाम करनी चाहिए और उनसे भगवान की भक्ति भगवान की प्रेम उनसे मांगनी चाहिए। क्यों? शंकर जी भागवत कथा का मूल जो वक्ता शंकर है, जितने पुराण का जो मूल वक्ता शंकर है, ये शंकर है। और शंकर जी वैष्णवा नाम यथा संभव भगवान की सबसे प्रिय श्री भोले बाबा जो पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। हर समय शंकर जी क्या करते हैं?
भगवान का भजन करते हैं, इसलिए उनका नाम भोले। भोले क्यों? भोले क्यों कारण क्या है? जो भक्त लोग होते हैं ना बड़े सरल होते हैं, हैं? इसलिए शंकर जी हर समय प्रभु की चिंतन में, भगवान की भक्ति में, उनके बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं हो। रामावतार आया तो शंकर स्वयं हनुमान बन करके आए, कृष्ण अवतार आया तो शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं। ब्रज मंडल में बारह शंकर है, जहां जाओगे वहीं पर शंकर शंकर है, क्योंकि शंकर जी क्षेत्रपाल का काम करते हैं, पूरा धाम को रक्षा करते हैं। प्रभु की लीलाओं में कोई आकर के बाधा नहीं डालते हैं, इसलिए वृंदावन में जाओगे तो गोपीश्वर महादेव, बनखंडी महादेव वहां पर है, बनखंडी महादेव, और जब मथुरा में जाएंगे वहां पर चार ही शंकर जी है, पिपलेश्वर महादेव, गोकर्णेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव। जब मथुरा से परिक्रमा शुरू होता है, हम लोग सबके सबसे पहले श्री भूतेश्वर महादेव जाते हैं, क्योंकि वो जो क्षेत्रपाल है, अगर कोई प्रवेश करना चाहते हैं कहाँ पर, ब्रजमंडल परिक्रमा में, कर जब तक शंकर जी के आदेश नहीं दे, क्योंकि चौकीदार तो वही है ना, उनका आदेश है बगैर तो अंदर में घुस नहीं सकते हो, इसलिए वहां पर श्री भूतेश्वर महादेव सारे परिक्रमा, जितने ब्रजमंडल परिक्रमा, सबसे पहले वो जाते हैं, शंकर जी से आदेश लेते हैं, शंकर जी अब हमें प्रभु की लीला क्षेत्र में परिक्रमा करने के लिए हमें आदेश दो, क्योंकि आपका आदेश के बगैर, चौकीदार है ना, उनका आदेश के बगैर घुस नहीं सकते। इसलिए कृष्णा शंकर जी जब रासलीला दर्शन करने के लिए आए हैं, वहां पर भगवान ने शंकर जी को दरवान बनाए, मतलब कोई भी वृंदावन धाम में आएगा जब तक तुम्हारी आदेश को नहीं लेता है तब तक अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए शंकर जी वहां पर श्री गोपीश्वर महादेव रूप में शंकर जी की वहां पूजा हो रही है, क्षेत्रपाल का काम करते शंकर जी हैं। इसलिए गोवर्धन में जाओ वहां पर चकलेश्वर महादेव, कामेवन में जाओ वहां कामेश्वर महादेव। इसलिए शंकर बारह शंकर पूरा चारों तरफ में बैठे हुए, इसलिए भगवान के धाम को रक्षा करते हैं। और जब कलयुग में आए श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए, हाँ, इसलिए दया कर सीतावती अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य निकाय। इन्होंने ही महाप्रभु को बुला करके लाए जगत में, इसलिए इनका एक नाम है गौर आना ठाकुर, जिन्होंने श्रीमान महाप्रभु को जगत में लाए। इसलिए कहीं भी शंकर जी की मंदिर आए को गए, उनको दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, उनसे भक्ति की प्रार्थना की, हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण किया था, आते आते उन्होंने लास्ट में कहाँ तक आए थे, रेमुणा तक आए, और वहां वहीं पर हैं, वहां पर भी शंकर जी है, देखे हो रेमुणा में शंकर जी, वहां पर खिरीचरा गोपीनाथ जो पास में, वहां पर माता सीता जी को जब इच्छा हुई मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ, तब श्री भगवान राम सात तीर मारे, सात सर, उड़िया में सर कहते हैं, इसलिए सात तीर मारे, इसलिए गंगा सप्तसरा नदी रूप में, सात धारा रूप में गंगा वहां पर प्रवाहित हो गया है। अभी थोड़ी सी एक निशाना है थोड़ी सी वहां पर, उसको बाद में माता सीता ने बोली, उसको बाद में मैं शंकर पार्वती को मैं दर्शन करना चाहती हूँ, वहां पर स्वयं हरचंडी महादेव और श्री शंकर जी वहां पर प्रकट हुए, इसलिए जिसको माता सीता ने वहीं पर उन्होंने दर्शन किया था। इसलिए कद महाप्रभु जब वहीं पर आए तो उन्होंने कैसे देखा, पहले इनका नाम क्या था, पहले था गोपीनाथ इनका नाम था, लेकिन जब उन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए, जब माधवेंद्रपुरी वहीं पर आए, उनके मन में इच्छा हुई है, उन्होंने पूछा यहाँ पर ठाकुर जी को क्या भोग लगता है, बोले अमृत के लिए, क्या नाम, मुंह से पानी आ जाएगा सुनते ही, इसे उसका नाम है अमृत केली हैं। इसको सुनते ही माधवेंद्रपुरी की इच्छा, मन में इच्छा हुई, अगर इसका थोड़ी सी मैं टेस्ट अगर मैं देखता ना, फिर अपना ठाकुर जी को भी मैं ऐसे भोग लगता हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए अपना जिस ठाकुर को हम पूजा करते हैं, अगर कहीं बढ़िया से कहीं ठाकुर का सेवा पूजा हो रही, भगवान की कुछ अच्छे तरह से हो रही है कहीं, उसको देख करके हम भी अपना ठाकुर जी को कैसे हम
भोग लगाएंगी, ये हमारी अंदर में वासना होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जब ऐसी इच्छा हुई फिर वो दुखी हो गई, बोले क्यों, अभी तक ठाकुर को भोग ही नहीं लगा, भोग ही नहीं लगा, और उसको पहले ही हमारे मन में इच्छा हो गई, इसका अगर थोड़ी सी टेस्ट अगर पता चलता तो ऐसे ही हम ठाकुर जी को भोग लगाते। हाँ, यहाँ सिखा देते हैं, अगर ठाकुर जी के लिए कोई रसोई बन रहा है ना, हैं, इसलिए सबको अंदर में नहीं जानी चाहिए। जैसे ठाकुर का रसोई बन रहा है, अगर शाही पनीर, मटर पनीर, बढ़िया बढ़िया कोई चीज बनता है ना, हम भोगी जी भी है, आज बढ़िया सब्जी बन रहा है, आज पनीर सब्जी बन रहा है, पहले हमारी खाने की इच्छा हो जाती है, इसलिए यहाँ सिखा देते हैं नहीं। इसलिए नियम है ठाकुर का प्रसाद बनते समय सबको नहीं जानी चाहिए, अंदर नहीं देखनी चाहिए, क्यों, देखने से ही हमारे लोग हो जाता है, अरे जी आज ये बढ़िया बढ़िया बन रहा है, इसका मतलब हमारी खाने की इच्छा हो जाती है। इसलिए वो दुखी हो गए, दुखी होकर के महा भगवान को भोग लगने से पहले मेरी भावना हो गई, फिर उन्होंने वहां से चल गए। चाहे कहाँ गए, वहां पर एक हाट था, हाट बैठता था, वहीं पर चले गए और रात भर वो तो भजन करते हैं रात भर, और किसी को कभी मांगते नहीं। माधवेंद्रपुरी कभी इनका था अजाचक वृत्ति, अजाचक वृत्ति मतलब कभी किसी को कभी नहीं मांगते थे, हमें ये तो कभी नहीं मांगते थे, फिर मिलता था कहाँ, बोले अगर कोई इनको अपने आप दे दिया तो खा लिया, जब दिया नहीं फिर खाते खाते। तो वहां पर कहते हैं कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी, कहते कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ा भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना कि छो नहीं का हार, चौथ भुवन माजे। कहते जब हरि नाम करते 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 जब हृदय पवित्र शुद्ध हो जाता है, हृदय में जब प्रेम आ जाती है, कहते उसी समय में जो कृष्ण नाम सुधा, ये कृष्ण नाम क्या बताया, ये सुधा मतलब अमृत है, हैं? इसलिए अभी अगर हमको बोले 16 माला दिन भर करते करते अवस्था खराब हो, 1,00,000 माला करे ना, लेकिन हरिदास ठाकुर दिन में कितना माला करते थे, 3-3 लाख हरि नाम करते थे, हम सोच सकते हैं दिन भर 16 माला से शाम तक देखो खत्म नहीं हो पाता है, हैं? फिर 1,00,000 कर तो फिर तो रात पता नहीं कितने तक करेंगे, फिर 3 बार 3 लाख कर तो क्या होगा बताओ, कितना समय लगेगा, हाथ दर्द हो जाएगा, अंगुल जीवा दर्द हो जाएगा, लेकिन जब हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय में शुद्ध सत्व प्रकट होता है, उस समय हरि नाम करने में कष्ट नहीं लगता है, कष्ट नहीं लगेगा, हैं? इसलिए कहते तुंडे तांडव इन बीते बीते नुते तुंडा बलि लब्ध। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान केवल दो ही जीवा क्यों दे दिया, इतना सुंदर मीठा नाम, अरे अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिया, कर्ण करड़ो कड़मिन घटे थे, बोले दो ही कान क्यों दिया, करोड़ों करोड़ कान हमें क्यों नहीं दे दिया। उस समय जिस समय हमारे हृदय पवित्र हो जाए, अनर्थ दूर हो जाए, उस समय नाम स्वयं जीवा में प्रकट हो जाता है, नाम उस समय नाम सुधा। हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रसाद का समय हो गया ना, माला जप कर रहे हैं, बोले अभी तक सुमेरु आ ही नहीं रहा है, ठंडा हो रहा है प्रसाद, है प्रसाद ठंडा हो रहा है, हमारी अंदर में भावना ऐसी भावना आती है, लेकिन लेकिन इनका अभी भजन कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी ठाकुर जी, आज इनकी भावना को समझ करके एक सकोड़ा खीर को उन्होंने कपड़ा को अंदर में छुपाई दिया, अभी ठाकुर जी की माया है, पुजारी को पता ही नहीं चला, लेकिन जब पुजारी सो गया रात को सपना आया, पुजारी ओ पुजारी उठो उठो, मेरा एक भक्त ब्रज से आया है, उसका नाम माधवेंद्रपुरी, उनके मन में खीर खाने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने एक सकोड़ा अपना कपड़े को नीचे दुबका करके रखा, मेरी माया से तेरे को पता नहीं चला, जा उनको खीर दे कर गाओ। बोले हाँ भैया, इसे कौन सा भक्त आए, ठाकुर जी चोरी किया उनके लिए हैं, इसलिए खीर लेकर देखा, सचमुच से खीर लेकर के आवाज लगाया, कौन है माधवेंद्रपुरी, त्रिभुवन में आप सबसे बड़े भाग्यवान हो, आपके लिए ठाकुर जी खीर चोरी किया है। बोले मेरा नाम माधवेंद्र, बोले आप ही माधवेंद्र, प्रणाम किया, आप कितने भाग्यवान हैं, ठाकुर जी आपके लिए खीर चुराया। बोले मेरे लिए ठाकुर जी खीर चुराया, बस जब खीर दिया ना, है क्या अमृत है, इसका नाम ही अमृत के लिए, कौन कौन खाए हो,
खिचड़ा को भी नाथ का चोरी खीर कौन कौन खाएगा। इसलिए बड़ा स्वाद है उसमें, काजू पिस्ता डाल करके हैं, किशमिश डाल करके वो खीर बनता है, बड़ी टेस्ट खीर है, हैं, बड़ी टेस्ट खीर है, अलग उसका स्वाद ही अलग, ऐसे स्वाद दुनिया में कहीं नहीं होगा। हर कहीं कहीं खीर खाओ लेकिन ऐसे स्वाद खीर कभी होगा ही नहीं, इतने स्वादिष्ट खीर है। इसलिए उसको खा करके प्रेम मन मत शरीर में स्वेद कंप असर कुलग वैवर्ण सारे अष्ट सात्विक भाव प्रकट हुआ। और जिस सकोड़ा में ठाकुर जी चोरी किया ना, ठाकुर लिया, ठाकुर स्पर्श किया ना, उसको उन्होंने तोड़ करके अपना कपड़ा में बांध दिया। अब बीच बीच में क्या करते हैं, उसको एक टुकड़ा खाते जब खाते उनका हृदय में प्रेम प्रकट, ठाकुर स्पर्श किया ना, ठाकुर को भोग और ठाकुर जी स्पर्श किया है ऐसे। इसलिए महाप्रभु ने खीर चुरा गोपीनाथ का दर्शन किया और उनको उन्होंने प्रणाम किया, बोले से खीर चुरा गोपीनाथ की। उधर से आते आते फिर महाप्रभु कहते जाजपुर में आए हैं, कहते वहां पर ब्राह्मण नगर में आए, कहते जही आदि बराहर अद्भुत प्रकाश जार दर्शन है सर्व बंधना। वहां पर श्री बराहदेव है, आदि बराहदेव वहीं पर है, हैं, इसलिए महाप्रभु वहां पर आदि बराहदेव का दर्शन किया, अद्भुत वहां पर रूप आदि बराह कौन कौन दर्शन किया है, दर्शन किया है क्या? एक बार हम लोग भी उधर किसी पता नहीं किसी काम में गए थे, वहां पर दर्शन करके आए हैं, वो आदि बराह बट वृक्ष के नीचे महाप्रभु वहीं पर गए थे। कहते जिसको दर्शन करने से जीव का भव बंधन नाश हो जाता है, इसलिए भगवान बराह अवतार में किसको वध किया था, बोलो किसको वध किया था, हाँ हिरण्याक्ष को वध किया है, हैं, हिरण्याक्ष मतलब क्या है, कहते हिरण्य मतलब होता है सुवर्ण और अक्ष मतलब होते हैं आंखें, बोले जिनका आंखें हैं सुवर्ण, जिनका आंख सुवर्ण से बना हुआ, नहीं सुवर्ण से बना नहीं हुआ, कहते ये जो सुवर्ण है ना, कहते उसमें कलिका स्थान है, सुवर्ण में कलिका स्थान देते है ना, जहाँ पर जाता पैसा होगा सुवर्ण होगा वहीं पर जितने अवैध स्त्री वहीं पर जितने जुआ खेल वहीं पर शराब मांस सब, जहाँ पैसा ज्यादा है वहीं पर जितने सारे अनर्थ जितने सारे गंदे चीज वहीं पर अपने आप तुमको उधर ले जाएगा। पैसा क्या करेगा, पैसा क्या करेगा, वो सारे गंदा काम करता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्होंने बराहावतार में वध किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं है, हमारा आंखों में जो भोग बैठा हुआ और जो आंखें है ना, जितने सब गड़बड़ी है या जितना अनर्थ है, आप भजन करने के लिए बैठो सबसे पहले कौन, जो हम चीज देखा है ना, जो चीज देखे होंगे पास भजन करते ही मन उधर जाएगा। इसलिए जो अंधे है उनको मन इधर उधर नहीं जाता है, क्यों, कारण क्या है, अब ज्यादा उनका स्मरण शक्ति होता है। इसलिए एक राम भद्राचार्य है, एक अंधा है, आप सोच नहीं सकते, पूरी भागवत याद, पूरी रामायण याद, पूरी गीता याद उसको है, पूरी सब शास्त्र सब याद उसको, एकदम कंठस्थ उसका है। क्या है, जो आंखें है ना हमारे, जब पढ़ने के लिए जाओ मन इधर उधर भटकता, बोले क्यों, जो चीज देखे हुए उधर तो मन भटकेगा ना, और जो चीज देखा ही नहीं उधर कहाँ भटकेगा तुम्हारी मन, भटकेगा नहीं, क्यों, देखा ही नहीं है। इसलिए जो सुनते हैं वही, जो सुनते हैं वही, इसलिए उनका बड़ा स्मरण शक्ति होता है, बड़ा स्मरण शक्ति, क्यों, उनका इंद्रिय इधर उधर नहीं भागती है, हैं, इसलिए कहते ये जो इंद्रिया है, इसलिए बिल्लो मंगल ने क्या किया, आंख ही तोड़ फोड़ दी, न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी, कहा पत्नी की डंडा खा करके आया है, चिंतामणि की डंडा खा करके आया और आकर के फिर और एक सेठानी का पत्र तू भाग गया, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, तू है इसलिए इधर उधर जाता है ना, फोड़ दिया आंखों को बस, बोले और कुछ देखना नहीं, अरे भगवान की देखो, और कोई चीज मत देखो, केवल भगवान को देखो। फिर एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी उनको मिल गए, जब उन्होंने भजन किया कहाँ पर, कालियादह पर भजन किया, जब भजन करते करते भजन की सिद्धि हुई ना, स्वयं प्रिया प्रियतम आ गए, राधा कृष्ण स्वयं आ गए, अभी कृष्ण अभी दर्शन देना चाहते हैं इसको, हैं, दर्शन देना चाहते, बहाना बनाया, इतने में राधा रानी कृष्ण दोनों आए और राधा रानी कृष्ण को कह रहे हैं, उसको नहीं कह रहे हैं, बिल्लो मंगल को सुना सुना कर कह रहे हैं, बोले देखो वो अंधा बाबा बड़ा बदमाशी है, अगर एक बार प्यार पकड़ लेगा ना छोड़ेगा नहीं, मतलब क्या है, उसको कह रहे हैं ठाकुर जी तेरे पास में पकड़ ले प्यार को, उसको दिख नहीं रहा है ना, कृष्ण तो सामने, उसको तो दिख नहीं रहा है,
इसलिए कहते बाबा बड़ा दुष्ट है, एक बार पकड़ लेता है ना प्यार वो छोड़ता नहीं, इसलिए खबरदार वहां मत जा। मतलब राधा रानी बड़ी दयालु है, राधा रानी के प्रगट तो कृष्ण मिलेंगे नहीं है, इसलिए राधा रानी कह रही है पकड़ लो उसको, हमारे सामने ठाकुर जी है पास पकड़ लिए। कृष्ण कह रहे हैं अरे छोड़ो छोड़ो प्यार को छोड़ो छोड़ो, बोले प्रभु नहीं छोड़ सकता है। तब तब वो कहते उनका एक हिंदी प्यार है, कहते भले ही तुमने अपना प्यार को छोड़ लिया लेकिन हृदय में मैं तुमको जो एक बार दर्शन कर लिया है ना, पर हृदय से अगर तू निकल करके जाओगे तो फिर मैं पता लगाऊंगा सचमुच से तुम वीर है। भले ऊपर से तुम निकल गई तो निकल जाओ लेकिन हृदय से निकाल कर तुम हमें दिखाओ है। इसलिए जो आंखें हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जति आदि बरा है अद्भुत प्रकाश, कत जार दर्शन है सर्व बंध नाश। जिनको दर्शन करने से, मतलब दर्शन मतलब क्या, जिनकी कृपा करने से जीव का सारे बंधन नष्ट हो जाता है। किस चीज की, इन्हीं आंखों में जो भोग दृष्टि है ना, यही तो भजन में बाधा देती है ना। जैसे हिरण्याक्ष को उन्होंने बध किया, दुष्टों को उन्होंने बध किया, इसलिए उनकी कृपा से हमारे हृदय में जो ये हिरण्याक्ष बैठा हुआ है, ये हिरण्याक्ष को वही बढ़ा दे भी इसको नष्ट कर सकते हैं। बोले महातीर्थ बहे जहा नदी बैतरणी, चार दर्शन पाप पलाए अपनी। बैतरणी नदी देखा है, बैतरणी नदी देखा कि नहीं, वहां पर बैतरणी नदी है, है? इसलिए बिरजा, वहां पर देवी, वहां पर देवी है, उसका नाम बिरजा देवी है। जैसे जीव जब भूर्भुव मोह जन तप सत्य, उसके बाद में फिर बिरजा नदी पार करना पड़ता है, सत्व रज तम है, इसलिए उसको कर्ष करना पड़ता है, इसलिए वहां पर ये सब चीजें है। इसलिए वहां पर कहते वहां पर अगर वहां के कोई व्यक्ति हो ना, तो देवता लोग उनको किस रूप में दर्शन करते हैं, बोले सब चतुर्भुज रूप, मतलब स्थान की इतने महिमा, इतने महिमा स्थान की, वहां पर नाभि गया बिरजा देवी। कहते वहां पर 10 योजन तक जितने देव स्थान है, वहां पर बहुत सारे देवा देवियों का स्थान जाजपुर में है। कहते लख्य वत्सर उनका नाम लेने पर भी जहाँ खत्म नहीं होगा, कहते वहां पर इतना। इसलिए हमारे उड़ीसा को क्या कहते हैं, हमारा जो उड़ीसा है ना ये देवभूमि। इसलिए जिस समय है सनातन गोस्वामी को राजा हुसैन शाह बोले उड़ीसा में चलो, बोले उड़ीसा में नहीं जा सकता, बोले क्यों, बोले वहां पर सारे देवता का मंदिर है। अब मुसलमान क्या करते थे, सारे मंदिर तोड़ फोड़ करते थे, बोले आपके साथ में हम नहीं जा सकते हैं, वहां जाना मतलब है देवताओं को हिंसा करना, इसलिए मेरे लिए संभव नहीं है। वहां पर दसवां समेत घाट है, हैं? इसलिए महाप्रभु कहते जाजपुर वहां पर गए हैं, और उसको होते हुए फिर उन्होंने आए कहां पर, कटक में आए। कटक के बाद में फिर उन्होंने श्री साखी गोपाल हैं मंदिर को उन्होंने दर्शन किए। साखी गोपाल आप लोगों को पता है, साखी गोपाल कैसे ठाकुर जी स्वयं साखी देने के लिए है, दो ब्राह्मण कैसे थे, एक बड़ा ब्राह्मण एक वृद्धा और एक जवान। जवान ब्राह्मण का सहारा से ये वृद्धा ब्राह्मण ने सारे तीर्थों को भ्रमण किया, करते करते जब रंगजी मंदिर में वृंदावन में उसको सामने साखी गोपाल मंदिर था, जब वहीं पर आए इतने में जो वृद्धा ब्राह्मण जो छोटा ब्राह्मण था नवजवान ब्राह्मण, बोले अगर तू नहीं होता ना मैं कभी भी ये तीर्थ नहीं कर सकता था, तेरी कृपा से ही सारे तीर्थ हो पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे घर में एक प्यारी लड़की है, मैं जब चलूंगा तेरे साथ में मेरे बेटी को शादी दूंगा। उसने कहा आपको बेटी को शादी करने के लिए मैंने दर्शन नहीं कराया, आप वृद्ध ब्राह्मण हो, पिता के बराबर हो, आपका आशीर्वाद मिलेगा इसीलिए आपको बेटी को शादी करने के लिए नहीं, और दूसरी बात है लेकिन आप भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन होने पर भी आप उच्च जाति के ब्राह्मण मैं नीचे जाति का ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण में भी कैटेगरी है, इसलिए आपका परिवार वाले नहीं देख करने देंगे। बोले क्या, बेटी मेरी है मैं दूंगा, मेरे परिवार क्या बोलेंगे, बोले अगर नहीं दिया तो वहां जाकर मुकर गए। बोले साखी ठाकुर जी ये गोपाल जी को मैं साखी करके कहता हूँ। बाहर जब वापस आए तो वृद्ध ब्राह्मण परिवार को बुलाया, बुला करके मीटिंग बैठा है, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले क्या आपको पता नहीं वो ब्राह्मण तो है लेकिन ये छोटे जाति का ब्राह्मण, हम ऊंचे जाति का ब्राह्मण है, कैसे हम शादी देंगे, दुनिया हमें क्या बोलेंगे, हमारा नाक कान कट जाएगी अगर हमारा
हैं, परिवार वाले राजी नहीं हुए तो अपने आप लेकर के भाग भाग जाओ बेटी को, पहले तो ये था नहीं हैं, लड़कियां पहले तो बाहर जाती नहीं थी, पहले घर को अंदर में थोड़ी सी अगर लिखा पढ़ा, पहले तो लिखा पढ़ा करने नहीं करते थे, पुरुष लोग भी ज्यादा स्कूल में नहीं आते थे, लड़कियां तो जाती नहीं थी, वो घर को अपना घर को ही संभाला करते। बस कुछ दिन बाद में वो आया, कहते क्या बात है आप बताए जे बेटे को शादी देंगे, बेटी को आप तो अगर चुपचाप हो गए। इतने में उन्होंने इतना बोल दिया, मैंने क्या बोला था मेरे को याद नहीं, इतना सुजोग पा करके बच्चे लोग को डंडा लेकर जा, बोले दुष्ट हमारे पिताजी के पास में पैसा था ज्यादा, तुमने धतुरा खिला करके पिताजी को पागल बना दिया और हमारी बहन को शादी करना चाहते हो, भाग जाओ डंडे लेकर भगाए इसको। उसने ग्राम पंचायत बुलाए, ग्राम पंचायत बोले कोई साखी है, बोले हाँ वहां पर तो गोपाल जी को साखी रखा था परिवार को, बस सुजोग मिल गया, हाँ जा 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 ठाकुर जी को बुला करके वृंदावन से ले आना। लेकिन उसी समय में लोगों का जो श्रद्धा है ना, पक्की श्रद्धा, कच्ची श्रद्धा नहीं होती थी, पक्की श्रद्धा होती थी, उसको पूर्ण विश्वास था ठाकुर आएंगे और साखी देंगे। तभी वो उड़ीसा से यहाँ से वो चलते चलते वृंदावन जाना साधारण बात नहीं, महीना भर लग जाता है चल चल कर जाना, हाँ रास्ता घाट कुछ है ही नहीं, चल कर गई, लेकिन उसको विश्वास था, वो गया वहां पर, ठाकुर जी को बोला आपको जाना पड़ेगा, आपको साखी करके बोला था बेटी को शादी देने के लिए, आपको चलना पड़ेगा, देखो कितने विश्वास उसके है ठाकुर जी को प्रति, आपको चलना पड़ेगा। लेकिन उसको विश्वास को देख करके ठाकुर जी रीझ गए। तब ठाकुर जी बोले तुमने कभी सुने हो ठाकुर जी चल करके जाते हैं, बोले चल करके जाते हैं तो बोलते कैसे हो, जो बोलते हो चल करके जाना ही पड़ेगा। ठाकुर तो फंस गए, बोले ठीक है बहुत दूर तो जाना पड़ेगा, लेकिन एक काम करो भूख लगेगा एक सेल चावल का खिचड़ी बना, पहले अब खिचड़ी बना कर खिलाओ। सचमुच से बनाया, ठाकुर खा लिया, पूरा खा लिया ठाकुर जी, मतलब लोग कितने भक्ति, कितने दृढ़ भक्ति, देखा ठाकुर जी पूरा का पूरा खा लिए। बोले एक काम करियो तो पीछे मोड़ करके नहीं देखना, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। बोले पता कैसे चलेगा अब आ रहे हो, बोले मेरे प्यार में नुपुर बांध दो उसमें छम 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 आवाज होगा। सचमुच से ठाकुर जी चलते चलते कहाँ तक आए, जैसे कटक तक उधर वहां तक आए, लेकिन वहां पर नदी आया तो रेती आई, रेती में ठाकुर जी का प्यार धसना शुरू हो गया। इतने में नुपुर का जो छम छम आवाज बंद हो गया, बोले यहाँ तक तो आवाज आ रही थी अभी बंद कैसे हो गया, अगर वहां जाकर देखा अगर ठाकुर है नहीं फिर तो लोग बदनामी होगा। बोले कर कर पास में तो आ ही गए, एक बार झांक करके देख ही लेते हैं। बस उल्ट करके देखा तो ठाकुर जी बंसुरी बजाते बजाते खड़े हो गए, बोले और नहीं जाऊंगा मैं मना कर दिया था। फिर उन्होंने आए पूरा हल्ला मचा दिया राजा को वहां पर, बोले ठाकुर जी स्वयं साखी देने के लिए वृंदावन से आए। बोले क्या ठाकुर जी वृंदावन से चलते चलते, बोले हाँ सारे को राजा रानी मंत्री कटवाल सबके सब लोग दुनिया के लोग पहुंचे और देखो ठाकुर जी कैसे सबको सामने ठाकुर जी साखी दिया। बोले हाँ ये वृद्ध ब्राह्मण मेरे को साखी रख करके बोला था, लेकिन परिवारों का दबाव में आकर के उसने मुकर गया है, लेकिन हमें साखी दिया था। और जो वृद्ध ब्राह्मण है ना बड़े दुखी थे, उन्होंने प्रार्थना कर दे ठाकुर जी हमें लाज बचाओ, परिवार की दबाव से मैं इन्हें मना कर रहा हूँ लेकिन मेरे हृदय गवाह नहीं दे रहा है, हृदय मेरी गवाह नहीं दे रहा है, मैंने गलत किया है, इसलिए आप आओ साखी दो। अब फिर जब बोले फिर शादी हुई, ठाकुर जब साखी दिए, इतने में रानी गई थी साथ में, जब रानी साथ में गई थी, रानी को पास में एक हीरे की एक नाक का बेसर था रानी के पास में है, इतने में रानी मन मन में सोचा मेरे पास में एक हीरे का बेसर है, अगर ठाकुर जी को नाक में छेद होता है ना वो हीरे का बेसर मैं पहना देती। ठाकुर तो भाव गए राजा को, पहले लोग जो होते थे जो राजा लोग होते थे ना जगन्नाथ जी ठाकुर साक्षात बात करते थे उनसे, जगन्नाथ जी बात मतलब उनके अंदर में इतने भक्ति होती थी, कलयुग बढ़ने का नाते धीरे धीरे हमारे विश्वास खत्म होते जा रहे हैं, जगन्नाथ जी ठाकुर साक्षात बोलते थे, जगन्नाथ जी के लिए स्वयं कृष्ण बलराम युद्ध करने के लिए निकल गए, कांची स्वयं ठाकुर युद्ध किए, और राजा को अगर कुछ भी जगन्नाथ मंदिर में होता तो राजा को पूरा स्वप्न होता था, राजा मेरे के लिए ऐसे नहीं मेरे साथ में ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ठाकुर डायरेक्ट बात करते थे राजा को साथ में, ऐसे होता था।
इसलिए जब रानी ऐसे सोच करके रानी चली गई, अगर ठाकुर का नाक में छेद, ठाकुर का नाक में छेद था और ठाकुर जी को नाक में बेसर पहना, हीरे की बेसर पहना है। अभी ठाकुर जी को स्थापन किया, ठाकुर जी को इतने में पहले राधा रानी थी नहीं, पहले कृष्ण अकेले थे। अभी कृष्ण अकेले का कहाँ मन लगता है, जब तक राधा जी नहीं हो उनका मन ही नहीं लगता है, हैं? क्योंकि राधा रानी है ही नहीं, अकेला महाधव पूजय सो अज्ञानी। अरे ठाकुर जी बेल सुनकर जल्दी उठे, बोले अरे तो मैं तो यहाँ सो गया, अभी तो मंदिर में है नहीं, खोलेगा तो मेरे को दिखेगा नहीं। ए ठाकुर जल्दी जल्दी भाग करके आए, बांस नहीं से खड़े रहे, लेकिन जो बंसुरी थी बंसुरी वहीं पर छोड़ दी। इतने में पुजारी दरवाजा खोले, अरे ठाकुर का बंसुरी कहाँ गया, पुजारी तो पता नहीं ठाकुर ये लीला कर रहा है, हैं? कहले बंसुरी कहाँ गया, राजा को बोले। इतने में हल्ला हो गया, ठाकुर का सोने की बंसुरी चोरी हुई, राजा सीआईडी लगा दिया, देखो कहाँ गया। मिला राजा को ब्राह्मण का बेटी को घर में, बोले दुष्ट ब्राह्मण खुद बंसुरी चोरी करके बेटी को घर में रख दिया और हल्ला मचा दिया, ठाकुर का सोने की बंसुरी चोरी हो गई, बंद कर इसको जेल में। राजा जेल में बंद कर दिया। ठाकुर जी बोले हे भगवान, मेरे ससुर साहेब जेल में बंद हो गए, मैंने बंसुरी छोड़ करके आई और ससुर जी जेल में बंद हो गए। फिर स्वप्न दिया राजा को, बोले महाराज मेरे को आप अकेले खड़े कर दिए, मन नहीं लगता है, इसलिए मेरी जो राधा है ना पुजारी की बेटी बन करके आई, मैं रोज उसको पास में जा करके सोता हूँ और ज्यादा मैंने गहरा नींद में सो गया, पुजारी जब दरवाजा खोले बेल बजाए मैं जल्दी जल्दी आया तो बंसुरी वहीं छूट गई, इसलिए वो मेरे ससुर है, इसलिए मेरे ससुर को जेल से खोल दो और जो उनका जो बेटी है ना उसको मेरे जितने सब गहना सबको लेकर उसको पहनाओ और उसको पालक में बैठाओ और गाजे बाजा के साथ में लाओ और मेरे साथ में शादी कराओ। राजा बोले हे भगवान, ठाकुर का ससुर जी को हमने जेल में बंद कर दिया, जाकर के पुजारी से माफी मांगे, उनको छुड़ाए, फिर सबको जितने बाजा बजाने वाले को लाए, पालकी मंगाए, बेटी को 16 श्रृंगार में सजाए और बाजा बजाते बजाते लाए और ठाकुर जी की अंदर में जब उन्होंने लड़की प्रवेश किया ना, वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अपने आप दरवाजा बंद हो गया और जब उन्होंने दरवाजा खोले देखा कोई है नहीं अंदर, फिर राजा समझ गए राधा रानी के बगैर कृष्ण का मन नहीं लग रहा है, इसलिए साकी गोपाल में देखना, जैसे यहाँ ठाकुर जी ना इस तरफ में देखना बहुत बड़े उच्च राधा रानी, फिर उन्होंने वहां पर श्री राधा रानी को उन्होंने स्थापन किया, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर आकर के उन्होंने किसको दर्शन किया, उन्होंने श्री साखी गोपाल को उन्होंने दर्शन किया। इसलिए हमारे उड़ीसा में है ना कहते जितने सारे देवादेवों का मंदिर जितने हैं और दुनिया में आपको कहीं इतना मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर इतने मंदिर कहते लख्य वत्सर भी उनका नाम को नहीं ले सकते, चैतन्य भागवत में कहते हैं, हैं? इसलिए वहां पर 10 जोजन तक जितना देखते हैं उनको सबके सब देवता रूप में स्वर्ग से जब देखते हैं चतुर्भुज रूप में जो इंसान वहां पर उनको देवता रूप में दर्शन करते हैं, हैं? और कल हम सुनेंगे महाप्रभु कैसे श्री जगन्नाथपुरी में आते हैं और कैसे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे उसको ऊपर में महाप्रभु कृपा करते हैं। श्री सचिनंदन गौर हरि की।